बहुत अच्छे लगे, शब्द मुझे बहुत अच्छे लगे, इमोशन बहुत अच्छे लगे, और उन सब से भी ज़्यादा ये दो मुझे बहुत अच्छे लगे, मेरे दो अनमोल रतन। तो मैं समझता हूँ कि इन दोनों को ये बिगनिंग बहुत मुबारक हो, और ये गाना युवाओं की दिल की धड़कन बनने वाला है। इसके लिए मैं जी म्यूज़िक का और तमाम टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसा म्यूज़िक, ऐसा ओरिजिनल सॉन्ग अब आ रहा है। तो पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, आप सब जियो हज़ारों साल, यही तहे दिल से दुआ दे रहा सुनील पाल। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ कि इतना अच्छा संजय लीला भंसाली का मुझे लुक आया, वैसे देखा जाए तो लोकेशन में लोकेशन बहुत अच्छे थे, और साथ में ये लोग उस पर इतने ज़बरदस्त लग रहे थे कि मुझे लगता है कि सोने पे सुहागा वाली बात होती, और परफॉर्मेंस के मामले में ऐसा लगता था जैसे ये लोग एक्टिंग नहीं कर रहे, सचमुच के ही सात जन्मों के प्रेमी हूँ, भीगी भीगी दास्तान लग रही थी इनकी। सुनील भाई का तो सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि अपना कीमती समय निकाल के सुनील भाई यहाँ पे आए और हम सबका एंटरटेनमेंट किया, बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत दिनों के बाद इसलिए मिल रही हूँ क्योंकि मैं और लोगों की तरह आपको फ़ोन करके बुलाती नहीं हूँ बार बार, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत जगह जाती हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ का शौक़ नहीं है कि मेरी ज़िंदगी, ज़ाती ज़िंदगी में लोग ज़्यादातर दखल दें, तो मैं आपको फ़ोन करके नहीं बुलाती, इसलिए मैं आपको बहुत दिन के बाद दिख रही हूँ। ये हमेशा मुझसे यही सवाल करता है, ये हमेशा यही सवाल, यही सवाल करता है, आप बहुत दिन के बाद दिख रही हैं। हाँ, क्योंकि मेरे पास ना रेडी होने के अलावा भी बहुत काम है, कहीं पे दिखने के अलावा भी बहुत सारे काम है, तो मैं ये करूँ कि ये करूँ। अमेजिंग सॉन्ग, बहुत अच्छा है, एंड शादाब मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अभी से नहीं 3-4 साल से बहुत अच्छा दोस्त है, एंड आई होप एक्टिंग करेगा रे। हाँ तो करूँगा ना। तो उसको भी एक्टिंग का कीड़ा आ गया है, तो आई होप के आगे जाकर इंशाल्लाह सक्सेस मिले। ईशान जी, आप बताइए आपको कैसा लगा अर्शी जी के साथ आप आ जाए, और मुझे लगा था तुम सॉन्ग के बारे में पूछोगे कि सॉन्ग कैसे हैं। उसे अर्शी हर जगह घुसाना है इसको, आस्किंग मी, आई लव इट। सॉन्ग मुझे ऑफ कोर्स अच्छा लगा, बिकॉज सॉन्ग का नाम ही है भीगी भीगी दास्ता, एंड लोकेशंस आर फैब, एंड स्पेशली द केमिस्ट्री बिटवीन बोथ ऑफ देम आर वेरी नाइस, एंड यस दे परफॉर्म सो वेल इन द सॉन्ग, इट्स वेरी रोमांटिक, एंड आई थिंक रील्स पे बहुत ज्यादा वर्क करने वाला सॉन्ग। ओके सर, आप बताइए अर्शी जी ने कितनी समय देकर आप यहां पर आए। I love you यार। मुझे लगता है तुम्हारे लिए आई हैं। तू तो बस तू मुझे ऑस्कर दिलवा के रहेगा, मैं बोल रही हूँ ये मुझे ऑस्कर दिलवा के रहेगा, ये अगर ऑस्कर में भी खड़ा रहेगा ना तो बस यही पूछेगा हर सेलिब्रिटी से सर वो अर्शी खान आई है, सर वो अर्शी खान आई है, ऑल टाइम यही करेगा। अर्शी जी से मेरी 3 दिन पहले बात हुई थी, 3-4 दिन पहले एक्चुअली। अर्शी जी उस टाइम पे दिल्ली थी, उस टाइम पे बहुत बिजी थी, तो इन्होंने बोला कि शादाब टाइम निकाल के मैं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। इन्होंने अपना वहाँ पे कुछ काम भी चालू था शायद दिल्ली में, वो छोड़ के यहाँ पे आई हैं स्पेशल मेरे लिए, तो तहे दिल से अर्शी जी का भी शुक्रिया करूँगा कि आप वहाँ पे आई हैं, यहाँ पे आई हैं आप। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, अपना इतना बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के आप आए, और आई होप अब तो गाना बहुत अच्छा करेगा, इतने सब लोगों की ब्लेसिंग्स मिली हैं, इतने सेलिब्रिटीज़ की ब्लेसिंग्स मिली हैं, स्पेशली मैम की, सो अजय सर। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, अभी एक मूवी आने वाली है, और अच्छी मूवी है जिसपे मैंने काम किया है, कुछ वेब सीरीज पे वर्कआउट किया, 2 वेब सीरीज ऑलरेडी रिलीज होंगी, लेकिन मैंने तुम्हें बुलाया नहीं प्रमोशन के लिए। एक्चुअली मैंने सोचा कि अभी मूवीज आने दो, प्रमोशंस खुद ही हो जाएंगे, तो बस अब बुलाऊंगी मैं इसको, हाँ इसको जरूर बुलाऊंगी मैं, बुला लेना, हमेशा ही रहता है। अच्छा किया इन्होंने, मैं मेरी ब्लेसिंग गाने के लिए, और इतने सारे लोग आए, लोगों की ब्लेसिंग से ऑल इज बेस्ट। कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आपको शेयर करना चाहिए, गाना कोई लेकर आने की कोई इरादा है आपका? बहुत सारे, लेकिन आपसे अकेले में शेयर ये बेस्ट था आई नहीं आ रही, डर के नहीं आई।
नहीं, मेरा कोई डर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। पता अर्शी आ रही है? मैं नहीं आ रही, तबीयत खराब हो गई, मैं छो गई, तबीयत खराब। वेरी एक्साइटेड, मुझे मैं देखना चाहती हूँ आलिया एंड रणबीर की शादी जल्दी से, सबकी शादियाँ हो रही है, मैं भी इंशाल्लाह अगले साल तक शादी करूंगी और मैं भी दुल्हन। नहीं नहीं नहीं, ऐसा जुल्म मत करो यार, लाखों का दिल टूट जाएंगे यार। वो अब शादी तो यू नो अब करना ही था, अब वो उनकी उनकी जाती मामलात में क्या दखल दूँ, कब कब शादी करना है उनको वो डिसाइड करेंगे। शादी में हमेशा लिमिटेड लोग ही बुलाना चाहिए, क्योंकि फालतू लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। एक्चुअली बकवास लोग, मैं तो अपने कार्ड लगवा के रखूंगी बाहर और गेस्ट लिस्ट में नाम लिखे होंगे, मीडिया सब आएगी। जिस जिन लोगों ने हमें बनाया है मीडिया ने, उनको लोग बाहर खड़े रखते हैं, वो मुझे बुरा लगता है कि मीडिया अलाउ नहीं है। आई डोंट लाइक दिस, बेचारे मीडिया वाले बाहर खड़े हुए हैं, बाहर से शूट कर रहे हैं हमें। मैंने बहुत सारी ऐसी शादियां देखी है, आप इतना इज्जत देते, इतनी इज्जत अफजाई करते हैं सेलिब्रिटीज की, उनको हर जगह कैप्चर कर रहे हैं, पब्लिक को दिखा रहे हैं, पूरी आवाम को दिखा रहे हैं, बट जब शादी होती है तो मीडिया नॉट अलाउड, मीडिया नॉट अलाउड। व्हाई? क्योंकि मीडिया ने तो बनाया है तुमको। अगर मीडिया तुम्हें दिखाती नहीं तो कुत्ता नहीं पूछता तुमको। That's why I love my media. मेरी शादी में तो सारी मीडिया आएगी भैया, सब 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 सब। आप लोग जरूर आएंगे, मैं जरूर आप लोगों को खुद ही इनविटेशन देने के लिए आऊंगी। ऐसे नहीं आऊंगी कि जाओ जाओ इस मीडिया को बुला लो, ये अलाउ है, ये बड़ा मीडिया पोर्टल है, इसको बुला लो। आई डोंट लाइक दिस, सब इम्पोर्टेंट है। वेरी नाइस, मैंने गाना शूट किया था वहाँ पर, ये लोकेशन बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। अच्छी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री तो दोनों के बीच में खुद पता चल जाती है ना सुनील। नॉटी नॉटी भाई, मजाक था ये, मजाक था जी। अभी तो शुरुआत है, आई होप अच्छा जाए इंशाल्लाह। ठीक है, वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना, कोई भी आप जब कच्चा बादाम चल सकता है और वो जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार कुछ भी चल सकता है यार, अब तो सोशल मीडिया कुछ भी उठेगा, लेकिन अच्छी चीजें नहीं दिख पाती हैं और बुरी चीजें ऊपर चली जाती हैं। तो मेरा तो मतलब मुबारक हो, इंशाल्लाह मैं भी रोजा अफ्तार करूंगी, डेट डिसाइड करके हम आपको बताएंगे, और मैं तो रोजा रख ही रही हूँ, आप लोग भी रखो। शुक्रिया। हाँ जी सर, मेरा नाम है अन्नू मलिक और ये मेरे फ्रेंड है शादाब, और सीरत का भी ये पहला सॉन्ग है, तो मैं चाहती हूँ भगवान से दुआ करती हूँ इनके सॉन्ग को अच्छे मतलब व्यूज मिले, लाइक मिले, लोग पसंद करें अच्छे से। और मेरा नाम अन्नू मलिक ही है। पहले तो कंपोजिशन, हाँ जी, हाँ 7 दिन तक तो हम लोग खाली लिरिक्स चेंज किए, ये लिरिक्स है ना शादाब और मैं, हम लोग तीनों मिलके लिरिक्स कभी दिल्ली से आते थे, वो राइटर दिल्ली का, तो 7 दिन के बाद हम लोग एक ढांचा तैयार किया है। फिर अभिषेक जी को सुना है ट्रैक, फिर अभिषेक जी बोलता है थोड़ा ज़्यादा इसमें और थोड़ा चेंजेस करना है थोड़ा गाने में, फिर फाइनल हम लोग 15 दिन के बाद फिर रिकॉर्डिंग किया है। और अभिषेक जी बहुत अच्छा गाए हैं, 2 बार इनको किया है, पहले बार तो ओके नहीं हुआ, दूसरा बार रिकॉर्डिंग करके। बोलो अभिषेक जी। मेरा नाम अभिषेक शास्त्री है, मैंने ये जो गाना गाया था शादाब भाई ने मुझे सामने से फ़ोन किया था, और इस गाने की जो कंपोजिशन जो है आप देखेंगे आज के टाइम पे, जो भी बता रहे थे कि रिमिक्स बन रहे हैं, पर ऑफिशियल ऐसी कंपोजिशंस जो सुन के, हाँ म्यूज़िक का मतलब होता है कि आंखें बंद होनी चाहिए, पर अभी का म्यूज़िक ऐसा होता है कि आंखें खुल जाती कि ये क्या हो गया करके, ऐसा कुछ हो रहा है, और बहुत सारी चीज़ें गलत गलत मतलब गलत नहीं कह सकते हैं, कुछ अलग वे में चल रही हैं, जो म्यूज़िक होना चाहिए म्यूज़िक से हट के कुछ हो रहा है। पर कल्याण दादा ने इतना अच्छा कंपोज किया है, और मैंने कल्याण दादा ने मुझसे एक एक चीज़ निकलवा के लिए, एक्चुअली एक एक चीज़ निकलवा के लिए, तो वो बस आप सभी के सामने है। सर बात करें गाने की, तो किस तरह से गाने आपने बताएंगे? गाने की शुरुआत हम लोग किए थे 2-2.5 साल पहले, कोरोना से पहले,
तो ये सब लिख के ऑलरेडी रख दिया गया था, लेकिन बीच में कोरोना आ गया, फिर उसके बाद हम लोग पोस्टपोन करते रहे, फिर आ गई वो घड़ी जो हम लोग शूट किए। हालांकि ये गाने में बहुत लोगों का हाथ था, मेहनत बहुत हुई है, 2-3 बार हम लोग ने लिरिक्स चेंज किया, फिर शूट करके फिर भी 2-3 चीज़ चेंज हुई इस गाने में, मेहनत बहुत हुई इस गाने में, तो फाइनली आपके सामने ये गाना आ गया है। सेट की बात करो, सेट पे कैसे माहौल था? सेट पे तो बहुत मज़ा आया, पता ही नहीं चला हम लोग शूट किए, हंसते हंसते शूट हो गया। हालांकि 3 दिन का शेड्यूल था ये गाने में, 3 दिन, और हम लोग ने 1.5 दिन में ये गाना शूट कर दिया, ट्रोली क्रेन ये सब जितना इतना बड़ा जो हम लोग 1.5 दिन में शूट कर दिया। और हमारे DOP साहब हैं फिरोज़ भाई, बहुत मेहनत की हैं कि नहीं DOP साहब हमारे? DOP साहब आइए एक मिनट, ये हमारे DOP साहब हैं जो इन्होंने बहुत मेहनत की है इस गाने के लिए, कुछ बोलिए सर। बोलेंगे सर, आप सबका पहले तो शुक्रिया है। गाना 2 साल से मैं सुन रहा था, ये एक्चुअली 2 साल पहले गाना आ चुका था, ये सुन रहा था, लेकिन फाइनली हम लोगों ने इस गाने को शूट कर लिया। काफ़ी मेहनत थी और सबने, मतलब टीम हमारी जो थी वो बहुत अच्छी थी, सबसे अच्छी टीम थी और सबने कोऑपरेट किया। मेन आर्टिस्ट जो इतना फास्ट चेंजेस वगैरह जो थी वो सारी चीज़ें मतलब पॉसिबल नहीं था करना, तो ये सारी चीज़ें जो इन लोगों ने साथ दी है उस वजह से हम ये गाना मतलब बहुत अच्छे से कर पाए। और टेक्निकली जो था इसमें टीम बहुत अच्छी थी, सारे लाइटमैन डायरेक्टर सारी चीज़ें जो थी वो हमारी बहुत अच्छी थी, जो हमने गाना किया है बाकी रिजल्ट आपके सामने है। आपको गाना कैसे मिला, कैसे डोली में? जब मैंने गाना सुना, मुझे गाना सुनते ही बहुत अच्छा लगा, मैंने डिसाइड कर लिया कि करना है ये सॉन्ग, और ऑफकोर्स आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा क्योंकि इतना हार्ट टचिंग लिरिक्स है और म्यूजिक है, और आई थिंक प्योर गाना है, नो पॉप सॉन्ग्स, नो रैप, जो आप इंजॉय कर सकते हो गाड़ी में बजने वाला गाना टाइप्स अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो। सो आई होप ये गाना अच्छा करे, और मीडिया ही है जो, टैलेंट मैटर्स बट मीडिया ही है जो इस गाने को और आगे तक पहुंचा सकती है। सो थैंक यू सो मच आप लोग यहाँ आए, और प्लीज़ इसको शेयर करें और अपना प्यार दें और ब्लेसिंग। मैं पूछना चाहेंगे, बहुत अच्छा है, बल्कि अभी तो मेरे दिमाग में वही चल रहा है कब से, एंड सॉन्ग इज़ रियली गुड, इवन सिंगर की आवाज़ भी बहुत अच्छी है, और एक्टर एंड एक्ट्रेस तो लाजवाब है। सो या डेफिनेटली इसके व्यूज़ बहुत बढ़ेंगे, लाइक्स भी बढ़ेंगे, और मैं भी थोड़ा सा हेल्प कर दूंगी, डेफिनेटली मैं अपने इंस्टा पर डाल दूंगी उनका। थैंक यू, और व्यूज़ बढ़ जाएंगे, एंड ऑल द बेस्ट टू देम। थैंक यू, थैंक यू। और सबसे बड़ी बात बोल रहा हूँ, 2 साल से जो चल रहा है गाने का माहौल, इस बंदे ने मेहनत बहुत की है, जो मुंबई से टीम हायर करना, लेके जाना, लेके आना, और हाँ प्रोडक्शन मैनेजमेंट का काम इसने बहुत अच्छा किया है, ये नहीं रहता तो शायद पॉसिबल हो पाता ये गाना, इसने मेहनत रहा। हाँ 3 दिन का, मैं 1.5 दिन में ये किया है बंदे ने, 3 दिन तक तो सोया ही नहीं था ये बेचारा हमारा। थैंक यू ललित। सो फाइनली हमारी मेहनत रंग लाई और गाना रिलीज हो गया और लाइव, मैं दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और ये गाना बहुत हिट निकले। थैंक यू। एक्सपीरियंस क्या, ये सेट पे रोज मुझको मारती थी, वो एक्सपीरियंस सीख लिया मैं, तो मैं भी वही यूज़ करूँगा। अरे एक एक सीन पे मार दे रही थी कभी, कट 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 के एक्सपीरियंस था। मैं बताता हूँ, जिस दिन शूटिंग था पता ही नहीं चला हम लोग शूट करके आए, जिस दिन शूटिंग था उस दिन ये लोग 7:30 बजे तक सो रहे थे, मैंने इनको उठाया, मैंने आज शूट करना है, इनको पता ही नहीं आज शूट करना है। बस भाई बहुत हो गया, मार खाया मैंने, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने नहीं मारा किसी को, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मजा आया, पूरी टीम बहुत कोऑपरेटिव थी, ऐसा लगा ही नहीं कि आप कुछ शूट कर रहे, ऐसा लग रहा है कि आप इंजॉय कर रहे हो, और जब आपको कोई काम अच्छा लगता है तो वो काम नहीं लगता है बेसिकली। आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है, तो उस केमिस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या सुनना चाहेंगे आप? देखो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तो वही अच्छी होती है कि लोगों को लगे ये पर्सनल केमिस्ट्री है, अगर किसी को ऐसा लग रहा है ये पर्सनल केमिस्ट्री, तो उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कुछ होता नहीं है कि हमने इतना मतलब